आज हम तकरीबन 8 और 10 गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लेकर के डीसी चेयरपर्सन कासिम जी के ऑफिस में आए थे। हमें ये उम्मीद थी कि जितने भी ये गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके जो दुखों का निवारण था या इनकी जो हेल्प थी वो इसी दफ्तर से पूरी की जा सकती है। तो आज यहाँ जब हम पहुँचे तो इनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट थे, उनके जितने भी आला अफसर थे, उनको फ़ोन भी किया और इन सब के जो मसाइल्स थे वो ज़ाती तौर पर हल किए और आगे से भी ये जो इनके मसाइल्स हैं और भी जो गरीब पसमंदा लोग हैं, गरीब अनाथ यतीम बेसहारे लोग हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के यहाँ पर आने के लिए ये भी आश्वासन दिया है और उनके मसाइल्स जो हैं वो भी हल करने का आश्वासन दिया है। और यहाँ पर जितने हमारे हैंडीकैप्स आए हैं उनको भी व्हील चेयरें दे करके यहाँ से भेज रहे हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं ताजीम जी, इनको लंबी उम्र अता फरमाएं और इनको इज्जत मान सम्मान दें ताकि ये हमेशा से इसी तरह के गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं इनकी खिदमत कर सकें। ये पहले भी गांव-गांव जा कर के हमेशा इन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखती आई हैं और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है हमारे इलाकों के लोगों को आज तक भी है, उनके दिलों में बसे हुए हैं। तो मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि जिस ऑफिस में हम आए हैं वहाँ से हम खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, बल्कि हमारे जितने भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं ये अपने जो है मसले हल करवा के जा रहे हैं।